हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर की डिस्कशन। तो ये पेपर हम बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस का आज यानी कि 11 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी का कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इससे पहले के सारे पेपर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में, और आगे के पेपर की अपडेट्स आपको कंटिन्यू ऐसे ही मिलती रहेगी दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे के सारे पेपर्स की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो पूछा है सलाइवा। सलाइवा को लार बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। तो इसमें पूछा था कि क्या उपस्थित होता है। तो इसमें जैसे ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा दोस्तों। वैसे तो काफ़ी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित होता है, बलगम होता है, जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं और एंजाइम्स वगैरह होते हैं। एंजाइम कौन सा होता है? इसमें टाइलिन एंजाइम होता है दोस्तों। अगर टोटली बात करें तो जो लार होती है मानव की, उसमें 98% वाटर होता है और शेष 2% ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फ्यूज तार आप कॉमनली जानते हो सभी दोस्त की, फ्यूज तार होता है क्या है? मैं बताऊंगा आपको कि ये किससे बना होता है। ये दोस्तों कॉपर के बना होता है, कॉपर, जिंक और सिल्वर एलुमिनियम का ये बना हुआ होता है। और कुछ रीजन्स में ये जो अलॉय धातु है, जो मिश्र धातु होती है, उनका भी ये बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है। दोस्तों जो भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है, और भाग 18 में जो अनुच्छेद 352 से और 360 तक के जो अनुच्छेद है उनमें इसका वर्णन किया गया दोस्तों आपातकाल का। अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन, दो तरह के यहाँ पे आपातकाल होते हैं। तो मैं बता देता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया, और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया दोस्तों। ये चीज़ आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अग्नाशय का कार्य क्या है। दोस्तों अग्नाशय मैं बता देता हूँ, वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से होगा लेकिन मैं जो इतने भी कार्य है इसको बता देता हूँ, वो ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ये कार्य नहीं है, ये आपकी एक्सटर्नल नॉलेज के लिए है। मैं बता दूँ कि ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत, उसके बाद सेकंड नंबर की यही है जो ग्रंथि बड़ी है। अगर बात करें तो अग्नाशय एक लंबी ग्रंथि है जो बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियों की तरह काम करती है। एक तो बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के से काम करती है दोस्तों। अगर बात करें बहिश्रावी भाग से क्षारीय और अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और जो अंतःस्रावी भाग होता है उससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये बहिश्रावी से तो क्षारीय निकलता है एल्कलाइन, और अंतःस्रावी से निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बुक का नाम है, इसके लेखक का नाम पूछा गया था दोस्तों। तो इसके जो बुक का लेखक का नाम है दोस्तों, वैसे तो मेनली विपिन चंद्र इसका नाम आता है कहीं पे भी, जब ये पूछा जाता तो विपिन चंद्र ही आता है लिखा हुआ। लेकिन कुछ इसके करेक्टर और जो इसमें शामिल थे, जैसे कि मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी भी इसमें शामिल थे दोस्तों। अगर बात करूँ तो ये बुक जो लिखी गई है वो दोस्तों जो हमारा स्वतंत्रता आज़ादी का जो संग्राम था उसके ऊपर लिखी गई है, जो कि 1857 की जो क्रांति, ब्रिटिश क्रांति हुई थी उसके ऊपर ये बनी हुई है, ये बुक लिखी गई है दोस्तों। और ये बुक अमेजन वगैरह पर अवेलेबल है, ये खुद मैंने देखी है। अगर आप पढ़ना चाहते तो वैसे आप मंगवा सकते हैं इसे। अगर बात करें इसके पब्लिश की, तो ये 1989 यानी कि 1989 में ये पब्लिश हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट पूछा था सूर्य का प्रकाश उदाहरण है, तो जैविक का या अजैविक का ये पूछा था यहाँ पे। तो दोस्तों ये अजैविक का उदाहरण है, या फिर इंग्लिश में बोले तो एबायोटिक। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि कौन से अजैविक होते हैं कौन से जैविक होते हैं। तो मुझे खुशी होती है दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताता हूँ वो पेपर में पूछ ले जाती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये बता दिया मेरे दोस्तों को, वो अच्छे से इसको कर देंगे पेपर में। तो नेक्स्ट अगर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आप पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है, तो जो जैविक होते हैं वो जीव जंतुओं से संबंधित जो चीज़ होती है इसमें आती है, अजैविक में आती है जिसमें जीवन संभव नहीं हो, जैसे कि प्रकाश है, हवा है, ऊष्मा है, ऊर्जा, और ये सब चीज़ें क्या होती है? अजैविक या एबायोटिक होती है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पूछा है अगरतला और बांग्लादेश के बीच में जो नया रेल मार्ग बना है उसका क्या नाम दिया गया है दोस्तों। उसको नाम दिया गया है अगरतला अखाउरा रेल लिंक, जो कि अब मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। तो दोस्तों ये टोटल इसकी लेंथ है 15 किलोमीटर, और जो ये बना है वो त्रिपुरा जो कैपिटल है अगरतला की जो कैपिटल राजधानी है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहाँ से और बांग्लादेश का जो सिटी है अखाउरा वहाँ तक ये बना हुआ है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट, जो गांधी जी ने फैक्ट्री मजदूरों के लिए 1918 में आंदोलन चलाया था उसका नाम पूछा गया, तो स्वदेश आंदोलन है दोस्तों, इसका नाम स्वदेश आंदोलन आपको पता होगा, नॉर्मल है। नेक्स्ट, एक पावर लूम की खोज, इसने ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो यहाँ पे एडमाउंड है दोस्तों, इन्होंने ये पावर लूम की खोज की थी एडमाउंड ने, और ये की थी 1784 में, 1784 में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि मोहम्मद गोरी व अन्य किस राजा के बीच 1991 में युद्ध लड़ा गया है, तो दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था उसके बीच और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी दोस्तों। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग यहाँ पे माना जाता है कि 17 युद्ध, कहीं कहीं पे 21 युद्ध भी माने जाते हैं जो लड़े गए थे इन दोनों के बीच में, और जिसमें 16 बार पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित किया था दोस्तों, और उसको छोड़ भी दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रचलित जो युद्ध है, एक तो प्रथम जो 1191 का और एक 1192 का युद्ध, ये दोनों युद्ध इनके बीच के फेमस युद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था इंग्लिश की बात करें तो करेक्ट स्पेल पूछे थे आज पैरेलल एंड प्रोसीड की, और एक एंटीनियम्स एंड सिनोनियम्स पूछा था यहाँ पे थ्रू का और स्क्रोन का। हिंदी अर्थ बता देता हूँ मैं आपको, इसका अर्थ होता है फलना और स्क्रोन का अर्थ होता है घिनना, या फिर ऐसे कोई मतलब कि किसी पे चिढ़ना ऐसे बोलते ना उसको वो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कंप्लीट पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की दोस्तों, अगर आज यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर था वो इजी था, 17 से अगर 19 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट होगा। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इजी टू मॉडरेट था, 16 से 18 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट होंगे दोस्तों। अगर रीजनिंग की बात करते तो ईजी था रीजनिंग का पेपर, और 21 से 23 क्वेश्चन आपका गुड अटेम्प्ट होगा दोस्तों। अगर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड की बात करते तो ईजी टू मॉडरेट था, 16 से 18 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट है दोस्तों। अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं तो आपने अगर 100 में से 70 से 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो ये आपका एक बेस्ट अटेम्प्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट तो छोड़े अपना कमेंट बॉक्स में, और हाँ वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं तो आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।